देवास में शुक्रवार हाट में नाग मंदिर के पीछे स्थित गुलरेज खान की आलीशान कटपी सेंटर में बीती रात एक युवक ने पेट्रोल अंदर डालकर दुकान में आग लगा दी। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक युवक कैद हुआ है और बाकायदा पेट्रोल नली से शटर के नीचे से डालकर दुकान के अंदर पेट्रोल उसने पहले भरा और उसके बाद में दुकान में आग लगाकर भाग गया। आप जान सकते हैं कि देवास में किस तरह बेखौफ होकर लोग अपराध कर रहे हैं। रात की 3-3:30 बजे की ये घटना है और इस दुकान से लगा हुआ मंदिर भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आग अगर विकराल रूप लेती तो बड़ी घटना हो सकती थी। रात में ही आग पर काबू पाया गया, आसपास से बोरिंग स्टार्ट किए गए, बाद में बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसे में पुलिस को अब जाँच करने की आवश्यकता है कि ये कौन लोग हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह से दुकानों में पेट्रोल डालकर आग लगा रहे हैं। आलिशान कटपी के नाम से कपड़े की दुकान है, हैंडलूम आइटम की है। ये घटना का 3:30 की है। 3:28 में हमें मालूम पड़ा, जब आसपास वाला धुआं आया और आसपास वाला ने चिल्लाया तो जब हम शटर खोली हमने देखा तो दुकान में आग लगी हुई थी। फिर हमारी वाइफ ने हमने सबके शटर पड़ोसियों ने आए सब मिलकर शटर खोली और फिर हमने आग बुझाने का प्रयास करा और फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। घर से टीवी फुटेज आया, उसमें दोनों तीनों तरफ आग लगाते हुए पेट्रोल से क्लियर आया है एक व्यक्ति और दोनों तीनों कैमरे में, चारों तरफ कैमरे लगे हैं मेरी दुकान में, चारों तरफ कैमरे में आया वो। 15-20 लाख रुपए का नुकसान है कपड़े का। ये पूरा मार्केट अभी इसमें 3 महीने पहले भी पीछे 60 सर्किट आग लगी थी और यहाँ तो क्लियर सामने मेन सिटी में आदमी पेट्रोल से आग लगा रहा। पूरा मार्केट कपड़े का 4 ब्लॉक है, कम से कम 400 दुकान है कपड़े की और एक से एक दीवार, एक ही सिंगल 4 इंच की दीवार है, सबकी कपड़े की दुकान है। इस जांच करें पूरी, जो व्यक्ति दिखा है इसमें पकड़ो, इससे पूछताछ है क्या है जो भी है।